भाजपा का केंद्रीय कार्यालय का आयुष मंत्री ने किया उद्घाटन। खबर भदोही से है, जहां कार्यालय चुनाव के संबंधित नथईपुर रोड पर रविवार को भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय कार्यालय खोला गया। लोकसभा भदोही क्षेत्र क्लस्टर इंचार्ज आयुष मंत्री दयाशंकर मिस दयालु ने फीता काट कर केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में संबोधन के दौरान मुख्य अतिथि दयालु मिश्र ने कहा कि केंद्रीय कार्यालय खुल जाने से कार्यकर्ताओं और जनता के लिए चुनाव प्रबंधन आसान हो गया है। चुनाव की सारी व्यवस्थाएं यहां से संचालन की जाएगी। वहीं जिला प्रभारी नागेंद्र रघुवंशी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी 2.5 लाख वोटों से भदोही से चुनाव जीत रही है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही। लोकसभा प्रभारी अभिमन्यु सिंह ने कहा, जिस तरह से पार्टी का उत्साह भदोही में दिख रहा है, कार्यकर्ता ऊर्जावान है, विकास के बल पे यहां से कमल खिला कर भदोही से इतिहास रचा जाएगा। वहीं लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर विनोद बिंद ने कहा, हमें अपने लोकसभा में सभी कार्यकर्ताओं के ऊपर भरोसा है। जिस तरह से उत्साह जनता कार्यकर्ता व पदाधिकारियों के अंदर दिख रहा, मुझे पूरा भरोसा है कि इस लोकसभा चुनाव में भदोही की जनता बीजेपी के पक्ष में बंपर मतदान करेगी। लोकसभा के प्रभारी और संरक्षक लोगों ने ले लिया है, अब विधानसभा के हमारे जो प्रभारी और संयोजक हैं, उनके जिम्मे शक्ति केंद्रों की बैठक करना था, उसमें बहुत सारी बैठकें हो चुकी है। अभी कल आपने देखा कि अमरपाल गौरव जी ने परसों आपकी बैठक लिया। इसके पहले हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी ने बैठक लिया, उसके पहले मेरी बैठक जो जिले की थी। लगातार बैठकों में आपको एक ही बात बार बार आपसे कहा जा रहा है, इस चुनाव में आपको प्रत्येक बूथ पर 370 वोट बढ़ाना है, प्रत्येक विधानसभा में 10% वोट बढ़ाना है, तभी जो आपका लक्ष्य है कि अब की बार फिर एक बार, आधे लोग बोल रहे हैं आधे लोग नहीं बोल रहे हैं, फिर एक बार अब की बार 400 के पार। अब कैसे जाएंगे उसी के लिए आपको चिंता करना है। आपको एक बड़े मतों से भदोही देखिए, आज हमारे लोकसभा के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। यहाँ पे हमारे सभी पदाधिकारी जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे और सब में बहुत अच्छा उत्साह है। आज आप देख रहे हैं कि किस प्रकार की गर्मी और शादी का भी दिन है, उसके बाद भी हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारे सभी संगठन के कार्यकर्ता बंधु, जितने लोग अपेक्षित थे सभी लोग आए और सुबह से यहाँ पे इस कार्यक्रम में शिरकत किए और बहुत ही ज़्यादा उत्साह है। और संगठन की दृष्टि से भी हम लोग एकदम बिल्कुल तैयार हैं चुनाव के लिए। किन योजनाओं को लेकर आप चुनावी मैदान में जा रहे हैं? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की सभी योजनाएं को लेकर और हमारा जो संगठनात्मक ढांचा है वो इतना मजबूत है और हमारे बीच में हम सबके लोकप्रिय प्रत्याशी भी हैं, योग्य प्रत्याशी हैं, उन सभी चीज़ों को एक साथ समायोजित करके हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों का अपार जन समर्थन हम लोगों को मिल रहा है। देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को पुनः तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है और डॉक्टर विनोद बिंद जी के पक्ष में मतदान करने को तैयार है। पूरी जनता कमल खिलाने के लिए एकदम बेसब्री से बिल्कुल इंतजार कर रहा है कि कब चुनाव का दिन आए और हम लोग कमल खिलाने का काम करें। तो अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन हो गया। आज से हम लोग अभियान से लगेंगे और अभियान तो हमारी पार्टी का शुरू से ही लगा रहता है। हम लोग हर चुनाव को जो है शुरू से तैयारी करते हैं और जीतने का काम करते हैं। अध्यक्ष जी,